So hello students, welcome to our channel Edutainment. This is our first video of chapter 1 chemical reactions and equations of standard 10th science. और इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, वो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है. सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिक्स टू बैलेंस एनी गिवन केमिकल इक्वेशन. ये जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ मैंने खुद इस्तेमाल की है स्टैंडर्ड 10 में और आगे भी 11th में भी, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन करना पड़ रहा है. तो मैंने ये ट्रिक्स खुद से इस्तेमाल किए हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ. सो हमारा वीडियो पूरा देखिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे आगे भी हमारे वीडियोस मैथ्स और साइंस के रिलेटेड आते रहेंगे. सो थोड़ा जोश के साथ शुरुआत करते हैं. हाउ इज द जोश? हाय सर. हाउ इज द जोश? हाय सर. आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर. सो बच्चों, पहले हम इस टॉपिक के कंसेप्ट पे आते हैं. क्यों हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, उसका कंसेप्ट क्या है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हम मास को बना भी नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो ये हमने जो लॉ है वो 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है. सो बच्चों, हमें बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है कोई भी केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमको ये लॉ को डेफिनेटली फॉलो करना है. सो क्या बोल रहा है मास कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये लॉ क्या बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मैं जितना डाल रहा हूं उतना ही मुझे मिलना चाहिए. LHS मेरा रिएक्टेंट्स हो गया, मैंने जो दो एलिमेंट्स लिए उसका मैंने रिएक्शन करा है, मतलब वो रिएक्टेंट्स हो गए और उसको और बाद में मुझे प्रोडक्ट्स मिला. जैसे H2 प्लस O2 मुझे H2O, तो H2O2 क्या हो गया, H2 प्लस O2 क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट्स हो गया और H2O क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट्स हो गया. ऐसा ना हो कि H2 प्लस O2 उसका मास और H2O का मास अलग हो. H2 प्लस O2 जितना मैं मास डाल रहा हूं उतना ही मास मुझे मिलना चाहिए, ये कंसेप्ट है. सो हम कंक्लूजन पे क्या है इस लॉ के कंसेप्ट से कि सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना एटम्स हमारा रिएक्टेंट में होगा LHS में उतना ही RHS में होना चाहिए. मतलब H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O. तो मेरे दो हाइड्रोजन मैंने यूज किए हैं LHS में, तो मुझे दो हाइड्रोजन ही RHS में मिलने चाहिए. मैंने दो ऑक्सीजन यूज किए पर H2O में एक ही ऑक्सीजन आ रहा है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा. सो बच्चों, हम क्या कंक्लूजन पे आए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स. जितने एटम्स हमने रिएक्टेंट्स में यूज किया डाला उतना ही मुझे एटम्स प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, यही बस इसका कंसेप्ट है. इसलिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. सो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है जो मैंने इस्तेमाल किया. सो बच्चों, अब हम ट्रिक्स पढ़ते हैं जो बेसिकली जनरल मेथड है कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. तो मैंने उसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है जिससे मैंने आपको ये ट्रिक्स बोला है. जिससे मैंने इसको क्यों ट्रिक्स बोला, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से डिफाइन किया है, इसको चार स्टेप में डिवाइड किया है. ये आप चार स्टेप फॉलो करेंगे, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कोई भी इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन दिया हुआ आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. 11th में तो बहुत हार्ड इक्वेशन आते हैं, तो वो भी आप आसानी से ये मेथड फॉलो करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. पहला स्टेप क्या है कि फर्स्टली बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिंगल एटम. मतलब अगर कोई सिंगल एटम है, आपको दिख ही रहा है इक्वेशन में कि ये हमारा एक इक्वेशन है, Fe हमारा रिएक्शन हुआ और Fe3 में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल एटम सिंगल एलिमेंट है. तो पहले ऐसे कोई भी एलिमेंट आपको दिख जाए, आपको क्लियरली विजिबल हो, यहाँ पे देखो Fe3 है, सबको पता चल गया कि यहाँ पे 3 Fe के एटम्स है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 3 लगा लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया. ये हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, O2 रिएक्शन हुआ H2O, हमारे O2 रिएक्शन हुआ और हमको वाटर मिला. यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है और यहाँ पे 2 एटम है, तो सिंपली हमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 वन 2 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया. ये आप थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, क्या है कि Fe रिएक्शन हुआ Fe3O2, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे 3 Fe के एटम्स है, यहाँ पे मोनो है, तो आपको 3 मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया. ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या है कि बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड विच इज क्लियरली विजिबल. ये हमारे कंपाउंड हो गया, अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंपाउंड की बात हो रही. अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक Fe का एटम है, यहाँ पे 2 Fe का एटम है, तो हमको क्या कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है. आप ये भी देख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ पे 2 सल्फर के एटम्स है और यहाँ पे कोई भी नहीं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा Fe भी बैलेंस हो गया, हमारा सल्फर बैलेंस हो गया. तो मतलब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ इस स्टेप में कि आपको जो भी एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, हमारा सल्फर हो गया, कोई भी एनी XYZ केमिकल है, आपको दिख ही रहा है अच्छे से कंपाउंड के फॉर्म में है,
कि आपको यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो आपको सीधा उसको बैलेंस कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। हमारा तीसरा स्टेप क्या हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। मतलब अभी हमको क्या कि हाइड्रोजन एटम्स है उसको बैलेंस करना है, और कोई भी बैलेंस इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना ही होता है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ये पहले दो स्टेप अप्लाई करिए, ये बहुत ईजी है। थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। मतलब कोई भी इक्वेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच टू हमारा रिएक्शन हुआ 2H2O, मतलब हमारे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम। मतलब मैं आप सिंपली यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा कि हमारी यहाँ इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, तो यही मैंने सेम एग्जांपल लिखा है कि O2 रिएक्शन हुआ H2O, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन का एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ से सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये हमारे चार हमारे स्टेप हुए, जिसको आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन उठा के दे दे, आपको ये चार स्टेप फॉलो करना है, आपका इक्वेशन गारंटेड बैलेंस हो ही जाएगा। और जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को खास करके, वो प्रॉब्लम ये दो स्टेप में ही आते हैं, बाकी अगर ये दो स्टेप आप कर लेंगे तो आपका बैलेंस हो ही जाएगा इक्वेशन। सो अब आगे बढ़ते हैं और दो एग्जाम्पल करते हैं। सो बच्चों ये पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या है इक्वेशन हमारा, Fe प्लस H2O हमारा रिएक्शन हुआ Fe3O4 प्लस H2। तो हम पहले एक टेबल बनाया आपको अच्छे से समझने के लिए कि Fe पहले हमको क्या करना है कि मोनो सिंगल एलिमेंट, तो हमारा Fe हमारे यहाँ पे सिंगल एलिमेंट, तो मैंने उसको पहले लिख लिया, फिर इसमें कोई कंपाउंड है नहीं, तो हमारा फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। हमारा Fe यहाँ पे 1 है, LHS में यहाँ पे 3 है, सिंपली हमको यहाँ पे 3 Fe कर लेना है। Fe हमारे यहाँ पे 3 था, हमारे यहाँ 1 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा पहला काम हो गया। हमारा दूसरा स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन का एटम्स है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम्स है, तो आपको बैलेंस करने की अभी जरूरत नहीं है। तो हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन का एटम है, तो हमको सिंपली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे 4 ऑक्सीजन एटम, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, और यहाँ पे 4 2 8 हो गया। ये तो अब हमें क्या करना है, फिर से हाइड्रोजन को बैलेंस कर, पहले हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के एटम हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ही है, तो हमारा अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है इक्वेशन, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स अप CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। मतलब पहले ये क्या करेंगे कि ब्रैकेट्स नहीं रख, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है जिससे आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आए। तो HNO3 प्लस CaO2H2 गिव्स अप CaN2O6 प्लस H2O। अब पहले हमको क्या करना है कि जो भी कंपाउंड में एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, तो पहले वो लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हमारा कैल्शियम 1 है, यहाँ पे हमारा कैल्शियम 1 है, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन अभी, क्योंकि हमारा अभी कंपाउंड वाला हो गया हमारा दूसरा स्टेप, तो हमारा क्या था थर्ड स्टेप, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है यहाँ पे 1, और या 1 हाइड्रोजन प्लस 2, तो हमारे 3 हाइड्रोजन, ये 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमारे 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 प्लस ये 5, तो यहाँ पे और 6 और 7, तो 5 और 7। सो बच्चों अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। पहले किसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि जो कंपाउंड में जो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो अगर क्लियरली दिख रहा है, तो आप पहले उसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के आइटम है, यहाँ पे सिंगल, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम की बारी, कैल्शियम यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन की क्या काउंटिंग हो रही है अभी, के 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 हो जाए, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 4 और हमारे यहाँ पे भी 4, ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अभी हमारा क्या लास्ट स्टेप था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है 2 3 6 7 8, यहाँ पे भी 6 और 2 7 8, तो हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस किया, साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8।
तो आप देखा मैंने ये चार स्टेप जो मैंने आपको दिखाया, आप सिंपली उसका फॉलोएशन करेंगे, आप आसानी से कितना भी हार्ड इक्वेशन आपको दे देंगे एग्जाम में, आप आसानी से ये बस ये चार स्टेप फॉलो कीजिए, आपका आसानी से कोई भी इक्वेशन हो जाएगा, आपका सॉल्व हो ही जाएगा। तो बच्चा अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आखिर में ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों के शेयर कीजिए जिसको इस टॉपिक में डाउट है। और अगर आपके कॉन्टेंट में कोई पुअर स्टूडेंट है जो ये बड़े बड़े ट्यूशन के खर्चे नहीं उठा सकते, तो उसको भी आप ज़रूर ये शेयर कीजिए वीडियो, जिससे उनको भी अगर कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स हमारे मेरा वीडियो देखने के लिए, और आगे भी मेरे वीडियो आते रहेंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय हार्ट। तो अभी क्या है हमारा मस्ती टाइम। Yeah.